हेलो ब्यूटीज, ग्लैम विद फैशन में आप सबका स्वागत है। सॉफ्ट ग्लैम ईद मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो टुडे आई एम गेटिंग रेडी विद नायका फॉर ईद और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ फैक्ट्स मेकअप के और मेरे। सबसे पहले आपको प्राइमर यूज़ करना है, उससे पहले आपको सीटीएम अच्छे से कर लेना है। ये प्राइमर इनसाइड कॉस्मेटिक का है, इजीली आपको नायका पे अवेलेबल होगा। नायका आपको सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देती है, सो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। वहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का ये करेक्टर। जिनकी भी डार्क पिगमेंटेशन है या लाइट पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, तो आप रेड करेक्टर स्किप बिल्कुल ना करें। जिनकी नहीं है वो इसको स्किप कर भी सकता है। ये ऑयली, ये हर कॉम्बिनेशन स्किन या हर स्किन के लिए परफेक्ट है। आप कोई भी स्किन के आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको नायका पे इजीली अवेलेबल मिलेगा। आप कोई भी स्टेप ना भूलो उसके लिए मेरी वीडियो को सेव कर लेना, या तो आप इसको ऑन करते करते ही मेकअप कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा परफेक्शन मिलेगी अपने बेस में। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये कंसीलर। ये मेरा बिल्कुल शेड का है, आप इसको नायका पे इजीली अवेलेबल है। डिस्काउंट चल रहा है, मैं अभी भी बता रही हूँ, तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। स्पेशल ईद डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाके फटाफट से बाय कर लो। आप देख सकते हो ये फुल कवरेज कंसीलर है, बिल्कुल भी केकी नहीं करता है। ये हर स्किन शेड पे अवेलेबल होता है, तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए कितना अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है। इसने मेरे जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वो हटा दिए हैं। अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। अगर आपने 1, 2, 3 स्टेप में तीनों में से कोई भी एक स्टेप स्किप कर देते हो, तो आपका केकी एंड ग्रे पड़ने के चांसेस पड़ते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ अब वीडियो ऑन करके, या आप इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, जिससे आपका बेस बिल्कुल भी केकी ना पड़े। अगर आप मेरी तरह ड्राई स्किन वाले हो, तो आपको लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करने हैं। अगर आप ऑयली स्किन के हो, तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन के साथ जा सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन। ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप देख सकते हो मैंने कितना कम अमाउंट पे इसको लगाया हुआ है, और तभी मेरे को फुल कवरेज दे रहा है। मुझे और कुछ नीड ही नहीं पड़ी लगाने। फिर मैं यूज़ करूँगी आई मैजिक की ये पैलेट। ये नायका पे काफ़ी अच्छा, इस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी जाओ इसे बाय कर लो। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टोन। जैसे हम लोग दिवाली पे तैयार होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ दिवाली पे मैं सबसे ज़्यादा ग्लोइंग लगूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं ईद पे भी सबसे ज़्यादा ग्लोइंग लगूँ जब मैं जाऊँ वहाँ पे। तो इफ्तारी का टाइम होने ही वाला है, और मुझे निकलना भी है। कौन ही होता है हमें इतना ब्लश करवाने वाला। तो आई मैजिक का ये ब्लशर पैलेट मुझे काफ़ी पसंद आती है, और ये और इसी का ही मैं कॉन्टोर शेड यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक डार्क शेड था, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा था। कॉन्टोर लगाने का सही तरीका अगर मैं बताऊँ, तो बिगनर्स के लिए बेस्ट होगा कि वो कान से लेके स्टार्ट करें और आईब्रो के एंडिंग तक ही लेके जाएँ। बिगनर्स के लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। मैं भी इसी ट्रिक से अभी भी मैं अपना कॉन्टोर लगाती हूँ, और ये तो मेरी आज से फेवरेट पैलेट हो गई है। फिर मैं सिर्फ ब्यूटी की लिप लाइनर से अपने लिप की शेप दे रही हूँ। इस बार मैंने अपने लिप की शेप वैसे नहीं दी है, मैंने एक हैक ट्राई किया है। मैंने अपने पाउडर लिप्स बनाने की कोशिश करी और वो बन भी गए, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और कुछ एक ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। ये मेबलिन की 672 इसका शेड नंबर है, काफ़ी अच्छी है। नायका पे इजीली अवेलेबल है ये, तो आप नायका से जाके ईद की शॉपिंग करिए फटाफट से। कमेंट बॉक्स में बताना आपने क्या क्या खरीदा, और आपकी ईद कैसी गई, और कितनी आपको ईदी मिली। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस। नाइट का समय है, तो काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल भी हटेगी नहीं, मैं कितना भी खा लूँ। फिर बारी आती है हमारा आई मेकअप करने की। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज शेड लिया, और ये पैलेट आई मैजिक की है, काफ़ी अच्छी है। इसके दोनों तरफ हमें मिरर मिलता है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 36 शेड्स है, शिमर है, ग्लिटर है, काफ़ी यूज़फुल है। आप एक बार इसे ख़रीद लो, तो आपको दोबारा कोई पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है नायका की तरफ से। जो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए पसंद आती है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ईद के लिए नायका हॉल से वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आऊँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या पर्पल का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको मेरी तरह पहले मेकअप नहीं आता था, वो भी सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग एक वीडियो शूट ज़रूर करूँगी। फिर मैंने शार्प ब्रश से अपना आईलाइनर बनाया। मुझे बिल्कुल भी लाइनर लगाना नहीं आता है, तो मैं इसी की मदद से हमेशा लगाती हूँ, और मैंने ये हैक देखा था, तो जब से मुझे लाइनर लगाना भी आ गया, तो आप देख सकते हो कि मेरा फाइनल लुक है। फिर लाइट से भी आपको ज़्यादा ग्लो देगा ये फॉरएवर 52 की ये हाईलाइटर पैलेट। ये मुझे काफ़ी पसंद है, और नायका पे तो इस पर धूम धड़ाका वाली सेल चल रही है, तो जाओ फटाफट से, पहले तो बेल आइकन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल। लास्ट में सेटिंग स्प्रे लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। मैं वो वीडियो शूट करना भूल गई हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।
ये मेकअप ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका बेस बिल्कुल भी केकी नहीं पड़ेगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक।